हेलो, एक बार चेक करो, अपना साउंड चेक कर लो भाई। सारे स्टूडेंट्स एक बार चेक करो। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स एक बार चेक करो साउंड को। ध्यान दो दोस्तों, पाइप और टैंक में क्या करना होता है, कहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन दिया होता, ए किसी कार्य को 20 मिनट में करता है, बी उस कार्य को 30 मिनट में करता है, तो टोटल वर्क होता 60। इनकी इफिशियंसी होती 3 और इनकी इफिशियंसी हो जाती 2। अब पाइप और टैंक के क्वेश्चन में जनरली तो यही करते हैं ना, जनरली यही करते हैं। ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में भरता है, तो टोटल वर्क लेते हैं और इफिशियंसी निकाल लेते हैं। यहां आपको थोड़ा सा जो ध्यान देना है दोस्तों, क्या ध्यान देना है, बोर्ड पर ध्यान दें। यहां जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि ये जो आपने टोटल वर्क अज्यूम किया है तो टोटल वर्क ही, बट टैंक की कैपेसिटी है, टैंक की कैपेसिटी है कि टैंक में टोटल कितना पानी आता है, टैंक में जो टोटल पानी आता है उसकी वैल्यू है, टैंक की कैपेसिटी है। कैपेसिटी और टैंक कह सकते हो आप इसको, पूरे टैंक की कैपेसिटी है 60। कह रहा है दोनों को खोल दिया जाए तो 5 का भाग दे दो, तो दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, तो आंसर कहेंगे 12 मिनट में। क्या वीडियो ऑडियो सब ठीक आ रहा है सबके पास? चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें और समझें क्या कहा गया है, कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करें। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसको 4 घंटे में खाली करता है। जब भी खाली करे उसको इफिशियंसी, उसका टाइम माइनस में लिख लो। वो इसलिए कि ओनली जिसके साथ माइनस आए वो हम समझ जाए कि ये खाली करने वाला है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 20, इसकी इफिशियंसी 4 और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी -5। तो दोनों से काम करते हैं तो दोनों की इफिशियंसी आएगी -1। तो कह रहा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, तो 20 को -1 से डिवाइड कर दे तो कहेंगे 20 आवर्स में खाली हो जाएगा। ध्यान दो, ए टैंक को 5 घंटे में फिल करता है, बी टैंक को 4 घंटे में फिल करता है, 5 और 4 का टोटल 20, इसकी इफिशियंसी 4। ये खाली करा, एम्प्टी करा, तो इसकी इफिशियंसी -5। दोनों से काम करोगे तो 4 -5 यानी इफिशियंसी आ गई -1, यानी 20 बटा दोनों की इफिशियंसी। और माइनस में जब आए तो आपको सिंपल सा बात है कि ध्यान रखना टाइम माइनस में नहीं होता, सिंपल सा ध्यान रखना है माइनस का मतलब है टैंक खाली हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दें और समझें। मनीषा, 2 क्लासेज होंगी इसकी। हो जाएगी कनेक्ट, हो जाएगी। ध्यान दो, देखो, ए किसी टैंक को 60 मिनट में फिल करता है, बी उस टैंक को 75 मिनट में फिल करता है और इसकी तली में छेद है जिसके कारण, छेद खाली करेगा जिसके कारण तीनों मिलकर इस टैंक को 50 मिनट में भर देते हैं। ए 60 मिनट में भरता है, बी 75 मिनट में भरता है, सी खाली करता है और तीनों 50 मिनट में भर देते हैं। तो दोस्तों बताओ टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क 300 हो जाएगा क्या, बोलो बोलो। ध्यान दो, टोटल वर्क 300 हो जाएगा क्या, इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी और इसकी इफिशियंसी 6। ध्यान दो, ए की इफिशियंसी 5 है, बी की 4 है और तीनों की 6 चाहिए, तो सी की इफिशियंसी 3 का हो गया क्या माइनस में। तो पूरा काम सी से करवाना है तो सी की इफिशियंसी -3 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 100। 100 मिनट में होगी खाली। बोलो सारे स्टूडेंट्स, अरे भाई संदीप टाइम एंड बाकी तो आए, वापस ध्यान दो। ए 60 मिनट में भरता है, बी 75 मिनट में, सी 6 है तो खाली करता है, तो टोटल वर्क ले लो 300, इसकी इफिशियंसी 5, इनकी इफिशियंसी 4 और सबकी इफिशियंसी 6। तो ध्यान दो, जिसमें इसकी 5 है, इसकी 4 है, 9 है, 9 को 6 बनाना है, इसका इसकी इफिशियंसी -3 होनी चाहिए। तो पूरा काम सी से करवाना है तो टोटल वर्क में सी की इफिशियंसी का भाग दे देंगे। चलो पढ़ेगा जी,
देखो ध्यान दो, नल ए 3 घंटे में भरता है, नल बी 4 घंटे में भरता है और नल सी 2 घंटे में खाली करता है, तो टोटल वर्क ले लेंगे इनकी 12, इनका एफिशिएंसी 4, इसका 3, इसका माइनस है। तो तीनों से यदि काम करवाना हो दोस्तों तो तीनों की एफिशिएंसी आ रही है 1, यानी 12 को डिवाइड करते हैं 1 से तो 12 घंटे में तीनों भरेंगे। क्यों कहां चले गए थे मनीष? मनीष मीना कहां चले गए थे? आपके चैप्टर्स क्यों नहीं हुए? क्या प्रॉब्लम आई? आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए? पढ़ो देखो, क्या कहा है, किसी नल को 6 घंटे में भरता है, ए किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है तो टोटल वर्क 6 ले लें और इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी। क्या ध्यान दो बोर्ड पर, ए किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है तो टोटल वर्क ले लें और ये एफिशिएंसी आ जाएगी। और ध्यान दो दोस्तों, ये यदि आपका टैंक है, बोर्ड पर ध्यान दें, ये यदि आपका टैंक है ठीक है, इस टैंक में कितने वर्क आते हैं? 6। बोर्ड पर ध्यान दो, कहा ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है तो ए 6 घंटे में भर सकता है, टोटल वर्क 6, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1। कहा है जब आधी टंकी भर गई, यानी आधी टंकी भर गई, आधी टंकी बची हुई है, जब आधी टंकी भर गई तो इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए गए। यहां ध्यान दो, ओनली कौन काम कर रहा है? ए। तो ए की एफिशिएंसी 1 से डिवाइड करेंगे, 3 घंटे लगेंगे। यहां ऑलरेडी ए तो काम कर ही रहा था और ऐसे 3 पाइप और खोल दिए तो 4 की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। क्या? तो 3/4 ये, 3 ये, तो टोटल समय 3 से 3/4। ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दें, ये टंकी में आधी मटकी 3 भरे ए ने तो 1 की एफिशिएंसी और बाकी आधी भरे 4 ने, 4 लोगों ने, 3 और हो गए ना तो 4 ने, तो 4 की एफिशिएंसी 4, तो 3 ये 3/4 ये, तो आंसर क्या होगा? हाँ भैया जी बताओ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कविता नहीं, आज क्लास नहीं होगा। मैंने सर डेली जैसे रनिंग जो क्लास है उनको देखो और पुराने भी 1-1, 2-2 वीडियो देखने लग जाओ। आओ सोनाली देखो क्या कह रहा है, एक पंप किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है, एक पंप किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है, टंकी में पानी रिसने से, पानी रिसने का मतलब टंकी खाली हो रही है और रिसने से इसको 2 से 1/3 यानी 7/3 आवर्स लगते हैं। दोस्तों समझना क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान दो, ये टंकी है ठीक है और इस टंकी में कौन काम कर रहा है? ये टंकी है, इसमें कौन काम कर रहा है? कोई पाइप काम कर रहा है। अकेला पाइप एक काम करता तो कितने घंटे में भर देता है? 2 में। ध्यान दो इस टंकी को अकेला एक काम करे, हाँ आनंद वही करो, ध्यान दो ये टंकी है जिसको अकेला एक भरे तो 2 घंटे में भर देता है, बट ये कह रहा है साथ में यहां कोई लीकेज रह गया तो इसका ये भर भी रहा है और यहां से पानी आउट भी हो रहा है, उस समय टाइम लगता है 2 से 1/3। तो ध्यान दो देखो बोर्ड पर, ए 2 घंटे में भरता है, बी लीकेज है खाली करता है, दोनों 7/3 में भरते हैं तो 2 और 7 का टोटल वर्क 14, तो इसकी एफिशिएंसी 7 आ गई और दोनों की एफिशिएंसी 6 आ गई, जिसमें भरने वाली की एफिशिएंसी 7 है तो लीकेज की एफिशिएंसी क्या है? ध्यान दो दोस्तों, 2 घंटे में भरता है, दोनों 7/3 में भरते हैं, 2 और 7 का टोटल वर्क 14, तो 2 और 7 का टोटल वर्क 14, तो इसकी एफिशिएंसी 7 और दोनों की आई 6, 6 कैसे आई? 14 को 7/3 से डिवाइड किया। तो ध्यान दो, ए की एफिशिएंसी 7 है, बढ़ने वाली की एफिशिएंसी 7 है, दोनों की 6 होनी चाहिए तो इसकी एफिशिएंसी -1 होगी, तो बी की एफिशिएंसी -1 है, टोटल काम करवाना 14, तो 14 को -1 से डिवाइड कर दें तो -14, यानी लीकेज के कारण 14 आवर्स में टैंक खाली हो जाएगा। ध्यान दो, ए 2 घंटे में, ए अकेला 2 घंटे में भरता है, बट ये 7 में लीकेज है, दोनों काम करने पर 2 से 1/3 लग रहे हैं, तो 2 से 1/3 को 7/3 रख लो, 2 और 7 का कंप्लीट टोटल वर्क 14, डिवाइड करो एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी 7 है, दोनों की 6 है, ए की 7 है, तो बी की कितनी है? -1। प्रॉफिट एंड लॉस के मेंस और सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दो, उसमें करने में दिक्कत आ रही है। सुभाष यूट्यूब पे लगाओ प्रॉफिट एंड लॉस सीपीओ नेहरा सर मिल जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एसएससी मेंस नेहरा सर मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आई नहीं सकती दिक्कत यार, कैसे आ सकती है? क्लास में जितना मैंने पढ़ाया उससे तो बहुत इजी पेपर आया हुआ है, इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको दोनों सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं, वहां से देख लो। दिव्या सीट को फर्स्ट टाइम करने में टाइम लगेगा ही बेटा ठीक है, इसलिए काफी पेंडिंग पड़ी है, तो उनको धीरे धीरे करो, अभी टाइम है ना आपके पास। सुबह
सुभाष 2019 के जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले या कोई भी, चाहे वो प्री हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, वो सारी क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं, वहां से देखो क्या प्रॉब्लम है वो। नहीं आज यही क्लास है, और क्लास नहीं है मनीषा, मनीषा और क्लास नहीं है। यार लो, एक लड़का और एक लड़की किसी टैंक को भरते हैं, लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है, और होज को भरना है 100 लीटर, तो टाइम यदि निकालना तो आपको बताइए टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी तो लिखते हैं क्या, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी लिख दो लड़का और लड़की दोनों की, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी तो लिखते हैं टाइम, टाइम बराबर क्या लिखता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो दोस्तों क्वेश्चन में टोटल वर्क क्या दिया गया कि आपको भाई टैंक में कितना पानी डालना है 100 लीटर, उसका टोटल वर्क यहां दिया गया है 100, तो बोलो लड़के की इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है जी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, 1 मिनट का काम, तो लड़के का 1 मिनट का काम 4/3 और लड़की का 1 मिनट का काम 3/4, 4 और 3 का एलसीएम 12 से गुणा करो तो ऊपर तो बनेगा 100 गुणा 12, ऊपर भी 12 से गुणा, नीचे भी 12 से गुणा, तो 16 और 9 बन जाएगा 25, 25 से 4 बार तो 12 चौक आंसर हो जाएगा 48, तो आंसर हो जाएगा 48। क्या दोस्तों आप लोग जानते हो कि टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्वेश्चन में टोटल वर्क गिवन ही है, क्वेश्चन में टोटल वर्क गिवन ही है, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 मिनट का कार्य, तो 3 मिनट से 1 मिनट का काम, 4 मिनट से 1 मिनट का काम, निकाल लो सोल्व कर लो। क्लास मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब है कि वस्तु फ्री में दे देना, लोकेश एक बंदा काम कर रहा है 3 मिनट में 4 लीटर का, ठीक है, और एक काम कर रहा है 4 मिनट में 3 लीटर का, दोनों की एफिशिएंसी बराबर कैसे हुई मुझे बताओ एक बार, देखो ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, एक किसी टैंक को 8 मिनट में भरता है, बोर्ड पर ध्यान देना, एक अन्य पाइप 1 किलो 1 मिनट में खाली करता है, 1 मिनट में पाइप बी जो है 1 मिनट में 6 किलोलीटर खाली करता है, ये दिया है, इसको साइड में रख दो, तो ए भरता है 8 घंटे में, बी करता है खाली, और दोनों मिलकर एक साथ खोलते हैं तो 20 मिनट में भरते हैं, देखो देखो ध्यान दो, 8 और 20 का टोटल वर्क 40 क्या, तो ध्यान दें दोस्तों इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5 और इसकी एफिशिएंसी होगी 2, तो इसका इसकी एफिशिएंसी कितनी है -3। ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, ए किसी टैंक को 8 घंटे में भरता है, बी का पता नहीं है 8 मिनट, सॉरी 8 घंटे नहीं है, ए किसी टैंक को 8 मिनट में भरता है, ए किसी टैंक को 8 मिनट में भरता है, बी का पता नहीं है, और ए और बी 20 मिनट में भरते हैं, तो 8 और 20 का टोटल 40 क्या, तो ए की एफिशिएंसी 5, ए और बी की 2, तो बी की एफिशिएंसी -3 क्या, यहां तक समझ में आ गया। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, वापस ध्यान दो, देखो ए किसी टैंक को 8 मिनट में भरता है, बी खाली करता है, और दोनों मिलकर इसको 20 मिनट में भरता है, तो 8 और 20 का टोटल वर्क क्या 40 होगा, तो इसकी एफिशिएंसी 5, तो दोनों की 2, तो बी की एफिशिएंसी -3 आई क्या। अरे मेरे भाई मैं जो पूछ रहा हूं, आपको यहां तक बात समझ में आई क्या, आप पूछ रहे हो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं क्या पूछ रहा हूं आप लोगों से, एक काम करें पहले इसको बंद करें, बात कर लें, चलो बताओ बात करो पहले। कविता करिए, सर प्लीज सजेस्ट मी, मेरा 16 नवंबर को मेंस का एग्जाम है, बिकॉज ऑफ माई स्पीड आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। अभी ना पढ़ाई छोड़ दो, सबसे पहले मोक दो कविता और उनपे प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपका सर कोई डाउट ग्रुप है क्या? मेरा डाउट ग्रुप है इजी मैथ्स विद नेहरा सर के नाम से। और बताओ कोई बात, आज अपन बात कर लेते हैं, पहले आप लोगों के पास बातें बाकी हैं, क्लास में पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे, यहीं तो रहना अपने को। और कोई बोलो भाई, क्लास बात कर रहा है प्रॉफिट एंड डिस्काउंट की, ठीक है,
करो करो बात कर लो, क्या दिक्कत है यार, बात कर लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बात भी तो करनी है, वो भी तो कभी ना कभी करनी है। अब तो पढ़ा तो रहे ना, जो पूछ रहे फिर जवाब दो। मैं बात कर रहा हूँ पाइप टैंक लीकेज की, आप बात करो प्रॉफिट एंड लॉस की या कुछ और, या सर प्रॉफिट एंड लॉस बता दो, कोई कुछ और करे, फिर क्या मतलब है? काम तो वही होना चाहिए ना जो दोनों करें, आप लोग जो काम करें वही मैं करूं, क्योंकि मैं तो अकेला हूं। अब आप बहुत सारे हो, तो आप बहुत सारे हो तो पहले वो काम निपटाते हैं फिर आगे करते हैं। तो फिर जैसे जैसे मैं पूछूं वैसे वैसे साथ साथ बताते जाओ। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, ए टैंक को भर सकता है, कितने मिनट भर सकता है, 8 मिनट में। बी जो दूसरा पाइप है वो करता है खाली करने का काम, और दोनों जब साथ काम करते हैं तो 20 मिनट में भरते हैं, तो 20 मिनट में भरते हैं। ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे और बताएं 8 और 20 का टोटल कितना होगा, तो बोलो 40। आपका किसी का भी कमेंट नहीं आया, मैं पूछता हूं 8 और 20 का टोटल क्या होना चाहिए, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। तो 8 और 20 का टोटल क्या होना चाहिए, 40। 8 मिनट में 40 मिनट के डाले तो इसकी एफिशिएंसी 5, दोनों ने 20 मिनट में 40 मिनट के डाले तो इनकी एफिशिएंसी 2। तो बताओ बी की एफिशिएंसी क्या होगी, ए की एफिशिएंसी 5 है, दोनों की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, फटाफट कमेंट करो। तो क्या आप लोगों का आंसर -3 है? तो हम कह रहे हैं बी 1 मिनट में खाली करता कितने मटके, बताओ हमारे अकॉर्डिंग बी 1 मिनट में कितने मटके खाली करता है, 3। तो 3 मटके खाली करता है हमारे अकॉर्डिंग 1 मिनट में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 किलोलीटर। तो 3 मटकों में 6 किलोलीटर पानी आया, तो 1 मटके में कितना पानी आएगा, 2 किलोलीटर। हमें पूछ रहा है टैंक की कैपेसिटी, तो 40 मटके की वैल्यू कितनी होगी, 40 गुणा 2, तो आंसर हो जाएगा 80 किलोलीटर। कोमल खराब, 120 क्या आंसर दे दिया आपने, खुद ही सोचो। फटाफट देखो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइप कर लो, जो पूछे उसको टाइप करना सीखो। अरे मजाक कर रहा हूं कोमल, देखो ध्यान दो, एक टंकी की तली में छेद है जिसके कारण भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली होती है, भरी हुई टंकी खाली होती है 10 घंटे में, पर साथ में भरने वाला पाइप यदि काम करे, कैसे भरने वाला, कह रहा है 4 लीटर प्रति मिनट, 4 लीटर प्रति मिनट भरे, ठीक है। तो ध्यान दो, दोनों को जो समय लगता है खाली करने में वो 15 घंटे लगते हैं, तो टोटल वर्क ले लो 30, इसकी एफिशिएंसी -3, इनकी एफिशिएंसी -2, तो इसकी एफिशिएंसी 1। एक क्या आया मेरे प्यारे साथियों, क्या कह सकते हो, एक जो आया वो आया 1 घंटे में, बी जो भरता है वो 1 मटका भरता है, क्या भाई एक आया और 1 घंटे में है ये टाइम, इसका 1 घंटे में बी जो है 1 मटका भरता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 घंटे में कितना भरता है, 4 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60 से गुणा कर देंगे, तो 1 मटके में 240 लीटर, तो बताओ 30 मटके में कितना पानी होगा, तो 30 गुणा 240 कर देंगे, तो 7200 लीटर हो जाएगा। ध्यान दो दोस्तों, ए 10 घंटे में खाली करता है, बी भरता है, और दोनों साथ काम करते हैं तो 15 घंटे में भरते हैं, 10 और 15 का टोटल 30, इसकी एफिशिएंसी -3, दोनों की एफिशिएंसी -1, इसकी -3 और दोनों की -2, इसका लिए कितनी है, +1, तो बी की एफिशिएंसी +1 का मतलब बी का 1 घंटे का काम है 1 मटका भरना, और हम कह रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 घंटे में कितना, तो हमारे अकॉर्डिंग 1 मटका भरता है 1 घंटे में, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मिनट में 4, तो 1 घंटे में कितना, तो 1 मटके में इतना पानी, तो 30 मटके में टंकी की कैपेसिटी, 30 मटके में कितना पानी आएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्या कहा है, फटाफट पढ़ो। दो, एक पाइप दूसरे पाइप की गति 3 गुना है, यानी दोनों की स्पीड करीब 1:3 है क्या, और दोनों मिलकर इससे टैंक को खाली करते हैं 36 मिनट में, तो 1 मिनट में खाली करेंगे 4, 36 मिनट में खाली करते हैं, खाली को भरते हैं। ध्यान दो क्या कहा, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुना है, यदि दोनों खाली टैंक को 36 मिनट भरते हैं, तो दोनों 1 मिनट में 4 भरते हैं, तो 36 मिनट में कितने भरेंगे, 144। तो कह रहा धीमी गति वाला, तो 144 जिसकी स्पीड है 1, कितने समय में भरेगा, तो 144 मिनट में। जिसको टाइम एंड वर्क आता है वो पाइप को टैंक के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम या ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती उसके लिए।
देखो कहा है, एक पाइप किसी टंकी को 4 मिनट में भरता है, बी उसको 5 मिनट में भरता है, और जान दो सी उसको 2 मिनट में खाली करता है। तो टोटल वर्क 20 होगा। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 5, इसकी 4 और इसकी -10। तो तीनों यदि काम करें, तो तीनों यदि काम करते हैं तो इफिशियंसी आएगी -1। क्या कहा गया है? ये टैंक है और इस टैंक में ध्यान दो, पहले ए और बी को खोला गया। इस टैंक में यदि 3 पाइप लगे हुए हैं, ए बी और सी, तो पहले ए और बी को यदि खोलते हो तो दोनों 1 मिनट में 9 मटके, तो 2 मिनट में 18 मटके भर देंगे। अब गाय तीसरा भी खोल दिया, और ध्यान दो जैसे ही 18 मटके भरने के बाद तीनों को खोला, तो तीनों को खोलने पर देखो तीनों की एफिशिएंसी क्या है, माइनस में है। इसका मतलब टैंक जो 18 भरा था आपने, अब वो खाली हो जाएगा। तो टैंक 18 भरा है, खाली होगा 1 घंटे में 1, 1 मिनट में 1, तो कितने मिनट में खाली हो जाएगा? ध्यान दो बोर्ड पर, यहाँ टैंक भर भी सकता है और टैंक खाली भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, 2 को खोलने पर टैंक में पानी कितना आया? 18। अब जैसे ही सी को खोला, तो इनको देखो इनकी एफिशिएंसी कैसे है, माइनस में है तो खाली करेंगे, प्लस में है तो भरेंगे, खाली करेंगे तो 18 खाली करेंगे, क्योंकि टैंक में 18 है। यदि भरने की बात करते तो 18 भरे हुए हैं, 20 में भरती है तो भरते कितने? 2। तो ध्यान रखना, खाली करेंगे इसलिए भरने की बात ही नहीं करनी, तो 18 खाली करेंगे, एफिशिएंसी 1 है, तो 18 मिनट में खाली हो जाएगी। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बोर्ड पर ध्यान देके समझें। तो खाली करना और भरना डिपेंड करेगा ऑन एफिशिएंसी। सोनाली बोर्ड पर ध्यान दो, आपने क्या कहा, पहले 2 पाइप को 2 मिनट के लिए खोला, तो पहले 2 पाइप 1 मिनट में 2 मटके डालते हैं, तो 2 मिनट में कितने मटके डाल देंगे? 18। ये टंकी है जिसमें टोटल कितने मटके आते हैं? 20। अब आपने 18 भर दिए, ठीक है, तो कितने और भरने हैं? 2। तो यदि तीनों जो काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी यदि प्लस में होती तो भरते, बट जब तीनों सी को खोलने के बाद काम कर रहे हैं तो तीनों खाली कर रहे हैं, टैंक में जो पानी उसी को खाली करेंगे, तो 18 को तीनों की एफिशिएंसी -1 से डिवाइड कर दो। देखो जान दो, फटाफट पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन को। देखो दोस्तों क्या लिखेंगे, बोर्ड पर ध्यान देना, एबीसी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो एबीसी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या, टोटल वर्क है क्या? अब क्या कहा है, 2 घंटे बाद, इसका मतलब दोनों ने 2 घंटे काम कर लिया, एबीसी तीनों 6 घंटे में भरते हैं, तो 2 घंटे काम कर लिया, तो 4 घंटे का काम बचा क्या? ध्यान दो, देखो जैसे मालूम मैं कहता हूं टाइम एंड वर्क को पढ़ने में टोटल 6 घंटे लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, 6 घंटे इंटू 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करते हैं वो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। पर मैंने कहा अभी कि आपको 2 घंटे पढ़ते हुए हो गए हैं, इसका मतलब कितने घंटे और पढ़ना है? 4 घंटे। तो टोटल काम 6 घंटे का था, पर 2 घंटे कर लिया तो 4 घंटे का काम बचा, और 4 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, तो शेष काम कौन करते हैं? सी को बंद कर दिया तो शेष काम करते हैं ए और बी 7 घंटे में। तो ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4a + b + 4c = 7a + b। ध्यान दो, ए प्लस बी को उधर ले जाओ तो बनेगा 3a + b = 4c, तो a + b / c = आ जाएगा आपके पास 4/3। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आई, मुझे एक बार कमेंट करें किसकी आ गई, एफिशिएंसी की आई या कार्य की? तो एफिशिएंसी की आ गई 4 और 3, तो तीनों की एफिशिएंसी 7 × 6, टोटल वर्क तो हो गया 42। आप कह रहे हो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा सी को, तो सी की एफिशिएंसी 3 से डिवाइड कर दो। सारे स्टूडेंट ध्यान से समझे, देखो एबीसी का 6 घंटे का काम था, कह रहा 2 घंटे काम कर लिया तो 4 घंटे का काम बचा, जिसको ए और बी 7 घंटे में करते हैं क्योंकि सी को बंद कर दिया, ठीक है। तो ध्यान दो 4 घंटे का, तो यहां देखो ए और बी एक साथ है, तो यहां भी ए और बी को तो एक साथ रख लो, सी को एक साथ, तो यहां से आपके पास आ गया a + b / c, यानी एफिशिएंसी, तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की 3 है, तो तीनों की 7 होगी, 7 × 42, और डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, काम करवाना सी से तो सी की एफिशिएंसी 3 से। बोलो आ गया सबको समझ में? चलो तो बोर्ड पर ध्यान दें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ये, फटाफट ट्राई करें। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, सी को 2 घंटे, यदि मैंने कहा एबीसी को खोला और सी को 2 घंटे बाद बंद किया, इसका मतलब एबीसी ने 2 घंटे काम किया, उसके बाद आपने सी को बंद कर दिया, तो बाकी काम ए और बी करेंगे।
सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, क्या करेंगे? कहा है ए टैंक को भरता है कितने समय में, 3 घंटे में, और बी टैंक को भरता है 3 घंटे 45 मिनट में, यानी 15/4 में, और सी टैंक को खाली करता है 1 में। टोटल वर्क ले लो 15, इनकी इफिशियंसी 5, इनकी 4, इनकी -15, तो टोटल वर्क आ गया 15, और तीनों से यदि काम करवाना है तो तीनों की जो इफिशियंसी है क्या -6 होगी क्या? करेक्ट। टैंक जब ठीक आधा भरा है तो टोटल टैंक में मटके हैं 15, ठीक आधा भरा है तो 15/2 होगा क्या भरा? और काम कौन करेंगे? तीनों, तो तीनों की इफिशियंसी 6 से डिवाइड कर दो तो 5/4 आ जाएगा, और इसको मिनट में चाहिए तो इंटू कर दो तो आंसर हो जाएगा 75। कैलाश आंसर ठीक है कैलाश का। अमित अमित क्या कर रहे हो, 45 आंसर कैसे आ रहा भाई? ध्यान दो, ए का टोटल वर्क 3, 15/4, और -1 का 15, एफिशिएंसी आ गई। पूरा काम नहीं करवाना, ये 15/2 क्यों लिखा इंपोर्टेंट, बस इतना ही है। ये 15/2 क्यों लिखा इंपोर्टेंट, इतना ही है, क्योंकि पूरी टंकी में से आधी खाली करवानी है, तो 15/2, और कौन करेगा उनकी एफिशिएंसी? कोमल रिफ्रेश करो, कहा है एक बढ़ने वाले पाइप के द्वारा ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जाता है, एक अन्य खाली करने वाले पाइप द्वारा पूरे ड्रम को 60 मिनट में खाली किया जाता है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, ए टैंक को 40 मिनट में भरता है, बी टैंक को 60 मिनट में खाली करता है, तो क्या टोटल वर्क 120 होगा? तो इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी एफिशिएंसी -2। जब ड्रम का 2/3 भाग भरा हुआ था, तो 120 का जब 2/3 भाग भरा हुआ था तो कितना पानी था टैंक में? 80। कह रहा है टोटल टैंक में 120 मटके, 2/3 भरा हुआ तो टैंक में मटके कितने हैं? 80। और कह रहा है खाली करने वाले को 15 मिनट खोल दिया, तो खाली करने वाला 1 मिनट में 2 खाली करता है, तो 15 मिनट में 30 खाली कर देगा, तो बचे कितने? 50। 50 बचे, और अब खाली करने वाले को बंद करके टैंक भरना चाहते हो तो 70 भरने पड़ेंगे। कौन भरेगा? ए। तो 70/3 का मतलब 23 सही, 1/3। बोलो जी गुरुजी सब। देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो बोर्ड पर, ए 40, बी की टाइम 60, टोटल वर्क 120, और टोटल वर्क 120 यदि हमारे पास है, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2। टैंक पूरा होने भरे होने पर कितने मटके होते हैं? 120। आप कह रहे हो 2/3 ही भरे हुए हैं, तो 80 भरे हुए हैं क्या? अब कह रहे हैं 15 मिनट के लिए खाली करने वाला खोल दें, तो खाली करने वाला 1 मिनट में 2 खाली करता है, 80 ही टैंक के अंदर है। टैंक में मटके कितने? 80 भरे हुए हैं, और 80 में खाली करने वाला 15 मिनट खोल दिया तो 30 और खाली कर दिए, तो अब टैंक में कितने बचे? 50। 50 बचे, टैंक को पूरा भरने के लिए 120 चाहिए, तो कितने और बने? 70। कौन भरेगा? बी को तो बंद कर दिया, तो ए। 2/3 यहां लिखा हुआ, इसलिए किया मेरे भाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो आप ध्यान से तो कैसे काम चलेगा भाई जी?
देखो याद रखो, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, कोई भी दो पाई विधि सर्किल जैसे हैं तो उनकी रेडियस का रेशियो यदि ए अनुपात बी है तो डायमीटर का रेशियो भी ए अनुपात बी होगा, सर्कमफेरेंस का रेशियो भी ए अनुपात बी होगा, एरिया का रेशियो हमेशा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होगा, और पानी हमेशा आता है एरिया से, इसलिए एफिशिएंसी का रेशियो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। क्या ध्यान रखना है कि कोई भी दो सर्किल की रेडियस का जो रेशियो है वही डायमीटर का रेशियो, और जो डायमीटर का रेशियो वही सर्कमफेरेंस का रेशियो, और जो सर्कमफेरेंस का रेशियो उसका स्क्वायर कर दो एरिया का रेशियो, और पानी हमेशा एरिया से आता है इसलिए एफिशिएंसी का रेशियो वही होगा। तो ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा गया है, एक टैंक किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है तो टोटल वर्क हो जाएगा 40, इसकी एफिशिएंसी माइनस एक। और ध्यान दो दूसरा जो पाइप है निकासी वाला उसका व्यास दो गुना, ध्यान दो डायमीटर का रेशियो 1:2 है तो डायमीटर का रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:4 होगा, स्क्वायर कर देते हैं तो ध्यान दो दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई -5, तो दोनों से काम करवाना है तो -5 से डिवाइड कर देंगे। याद रखना दोस्तों किसी भी सर्किल की रेडियस यदि आर है तो उसका डायमीटर 2r होगा, तो 2 से 2 कट गया इसलिए रेशियो वही रहेगा, सर्कमफेरेंस 2πr और 2πr होता है तो 2π से 2π कट गया इसलिए रेशियो a और b होगा। तो याद रखें दो सर्किल की सर्कमफेरेंस रेडियस और डायमीटर का रेशियो सेम होता है, एरिया का रेशियो हमेशा स्क्वायर करते हैं, एरिया का रेशियो जो होता है वही किसका रेशियो होता है एफिशिएंसी का। तो ध्यान दो डायमीटर का आपका रेशियो था, डायमीटर का रेशियो कितना था 1:2, तो इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो दोनों की एफिशिएंसी -5 से डिवाइड कर देंगे। चलो पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पढ़े फटाफट पढ़े। देखो ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, पी और क्यू टैंक को पी भरता है 8 घंटे में, बोर्ड पर ध्यान दें पी टैंक को भरता है 8 घंटे में, क्यू टैंक को भरता है कितने घंटे में 24 घंटे में, एक लीकेज जो भरे हुए टैंक को आर मान लो जो खाली करता है 12 घंटे में, तो टोटल वर्क ले लेंगे 24, इसकी एफिशिएंसी 8 थी 24, इसकी एफिशिएंसी 24 से कम 24, और इसकी एफिशिएंसी 12 दूनी 24। क्या यदि टैंक की ठीक 2/3 ऊंचाई पर एक लीकेज हो, ध्यान दो ये पूरा टैंक है और इस टैंक की 2/3 जो ऊंचाई है, 2/3 जो ऊंचाई है आपके पास, तो 2/3 ऊंचाई मान लो यहां है तो यहां पे एक लीकेज है, यानी जो माइनस वाला काम करता है वो है, तो 24 का 2/3 यानी नीचे मटके आते हैं 16, ऊपर मटके आते हैं 8, नीचे लीकेज नहीं है तो प्योर क्यों ही काम करेंगे, क्या भाई जहां लीकेज नहीं हो प्योर क्यों काम करेंगे, तो 4 का भाग दो तो 4 घंटे लगेंगे इसको भरने में नीचे वाले पार्ट को, और जान दो ऊपर लीकेज भी है और पी और क्यू भी काम कर रहे हैं तो इसका आर भी काम कर रहा है, तो पी क्यू आर तीनों काम करने पर एफिशिएंसी 2 है तो 4 घंटे यहां लगेंगे, 4 घंटे यहां लगेंगे, 4 घंटे यहां, तो टोटल टाइम बोलो कविता, ध्यान दो टैंक के 2/3 भाग पर, टैंक के 2/3 भाग पर लीकेज है, 2/3 भाग पर लीकेज है तो 24 का 2/3 कर दो, यानी 16 मटके जहां तक आते हैं उसके बाद लीकेज है, तो 16 मटके जहां तक आते हैं वहां लीकेज नहीं, इसका ओनली पी और क्यू काम करेंगे, 4 का भाग दो और उसके बाद कितना 1/3 पार्ट और बच गया, तो 24 का 1/3 यानी 8 मटके और बने हैं, कौन भरेगा लीकेज भी भरेगा और दोनों भरने हैं, तो इसका दोनों तीनों की एफिशिएंसी 2 आएगी, इसे डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो दोस्तों क्या कहा गया है, कहा गया है ए बी और सी किसी टैंक को फिल करते हैं 10, 15 और 20 घंटे में, तो टोटल वर्क आ जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, 6, इसकी 5 और इसकी 3, ठीक है ये हमें दिया गया है, बट ये कब है जब जनरली एकदम सही सही काम चले तब, पर रियल में क्या हुआ कि शुरुआत के 2 घंटे पाइप ए में भी 2 घंटे खराबी रहती है, पाइप बी में भी 2 घंटे खराबी रहती है और पाइप सी में 3 घंटे खराबी रहती है, तो ये बताओ तीनों पाइप कब ठीक हो गए, मुझे बताओ पाइप ए में भी खराबी है, पाइप बी में भी खराबी है और पाइप सी में भी खराबी है, तो तीनों पाइप कब ठीक हो गए, तो तीनों पाइप 3 घंटे बाद तीनों ठीक हो गए, तो बताओ पहले 3 घंटे में इन्होंने कितना पानी भरा, तो जान दो ए और बी पहले 2 घंटे में कितना भरते हैं वो निकालो तीनों का, तो जान दो बोर्ड पर ए और बी पहले 1 घंटे में कितना भरते हैं, बोलो 1 घंटे में कितना भरना चाहिए, ए और बी को 15 चौक 60 होता भाई,
तो ए और बी को बोर्ड पर ध्यान दो, ए और बी को एक घंटे में कितना बढ़ना चाहिए, ए और बी को एक घंटे में 10 बढ़ना चाहिए, ए और बी को एक घंटे में 10 बढ़ना चाहिए, तो अगले घंटे भी 10 बढ़ना चाहिए, यानी 20 बढ़ना चाहिए था, पर ये अपनी इफिशियंसी का 4/5 बढ़ता है। यही कहा क्या, ए और बी में खराबी है तो 2 घंटे, ध्यान दो ए और बी यदि सही सही काम करें, ए और बी यदि सही सही काम करें तो एक घंटे में कितने बढ़ेंगे 10, तो 2 घंटे में कितने बढ़ेंगे 20, बट उनमें खराबी है तो पूरा पानी नहीं आ रहा, 4/5 ही फ्लो आ रहा है, तो 20 का 4/5 यानी इन्होंने 16 मिनट भरे 2 घंटे में, और उसके बाद अगले घंटे सही काम किया तो 10 यहां भरे, तो 16 2 घंटे में भरे 10 यहां भरे। क्या उन 3 घंटे में सी भी चालू रहा क्या, हाँ, तो सी 1 घंटे में बढ़ता 3, तो 3 घंटे में बढ़ेगा 3 गुणा, ध्यान दो अपनी इफिशियंसी का 3/4 ही बता है, तो 27/4 इन्होंने भरे, तो 16 + 10 + 27/4 को सोल्व करो, 26 × 52 का डबल 104 + 27, तो 131/4 भर दिए, टोटल कितने बने 60, तो 60 में से 131/4 भर दिए, तो 109/4 बचे क्या, और 109/4 अब ध्यान दो तीनों अपनी नॉर्मल इफिशियंसी से काम करेंगे क्या, बोर्ड पर ध्यान दो बताओ भाई, तीनों की सफाई हो गई और तीनों साफ हो गए पाइप, तो तीनों अपनी नॉर्मल इफिशियंसी से काम करेंगे, तो तीनों की नॉर्मल इफिशियंसी 13 से डिवाइड कर दे, तो 52 का डबल 2 104 हो जाएगा, तो 2 सही 5/52 ये 2 सही 5/52 तो ये, और स्टार्टिंग के 3 घंटे तो क्या 5 सही 5/52 होगा, फटाफट देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ पाए या नहीं समझ पाए। कैलाश शेष नहीं पूछा, टोटल पूछा, टैंक कितने समय भरा है, कितने समय में भरा है इसका टोटल, कोमल समझ में आ गया, कनक, आनंद, अनिल, शुभम, संदीप, हरिकेश, दिलखुश, ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स वापिस बोर्ड पर ध्यान दें, सारे स्टूडेंट्स वापिस बोर्ड पर ध्यान दें, क्वेश्चन को पढ़े पहले सबसे पहला काम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने तो क्वेश्चन को समझा ही नहीं और ऐसे आंसर निकालने लग गए हैं, क्या कहा है 10, 15 और 20 में बढ़ता है, टोटल वर्क हो गया 60, इफिशियंसी हो गई ये, ध्यान दो ए और बी में खराबी रहती है 2 घंटे के लिए और सी में खराबी 3 घंटे के लिए, तो निकाल लो 3 घंटे में टैंक में कितना पानी आ गया, उसके बाद सबकी खराबी ठीक हो गई, इस बार अपनी नॉर्मल इफिशियंसी से भरेंगे क्या, तो बताओ ए और बी 1 घंटे में कितने बढ़ के भरते हैं 10, तो 2 घंटे में कितने भरेंगे 20, और अपनी इफिशियंसी 4/5 से भरेंगे, तो 2 घंटे में कितने भरेंगे 16, तो खराबी 2 घंटे दी थी, जो 2 घंटे की खराबी थी उसमें 16 भरे, अब जान दो अगले घंटे सही रहते हैं तो 10 भरेंगे, तो 16 ए और बी ने पहले 2 घंटे में भरे और तीसरे घंटे में भरे 10, अब पता करो सी ने कितने भरे, भाई सी ने कितने भरे, तो सी की इफिशियंसी तो 3 है, तो 3 घंटे में बने चाहिए 9, बट वो अपनी इफिशियंसी का 3/4 ही बता है, इसको 27/4 भरे, जोड़ दो तो 131/4 भर दिए, 60 भरने हैं, 131/4 भर दिए, तो क्या 109/4 बचे हुए हैं, और ये 109/4 कौन भरेगा, 109/4 सब अपनी नॉर्मल इफिशियंसी से काम करेंगे, तो 13 से डिवाइड कर दो, तो 2 सही 5/52 तो ये आ गया, 3 घंटे पहले काम किया, तो टोटल आंसर, समीर राव रेशियो के लिए मैंने कह रखा ना, वहां से पढ़ लो मेरे भाई, यूट्यूब से पढ़ लो रेशियो को, ठीक है, देखो हाँ कोमल करवाएंगे, पर जिनका मेंस का एग्जाम है उनके लिए कह रहा हूं मैं, और अब तक पढ़ लेना चाहिए था उनको, यहां भी पढ़ाऊंगा संदीप, यहां भी पढ़ाऊंगा, अभी क्लास 2 बजे तक है, या बाकी आप बोलोगे सर 1:30 बजे छोड़ दो तो 1:30 बजे भी छोड़ देंगे, कल क्लास है टाइम एंड वर्क की, कल क्लास लेंगे पाइप और किस्टन की क्लास लेंगे कल, तो कल पाइप और किस्टन की क्लास होगी, समीर भाई पढ़ लो रेशियो, बता दिया था ना मैंने कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जहां से बताया वहां से पढ़ लो, ठीक है, बाकी जैसे ही आपका टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, हाँ तो ये भी स्टार्ट कर देंगे, रेशियो भी स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब तक रेशियो आपको पढ़ लेना चाहिए था यदि आप सीरियस होते अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो क्योंकि 2 दिन पहले मेंस की, 2 दिन पहले क्या रेशियो पढ़ेंगे, कल की क्लास का टाइमिंग सेम 12 से 2, देखो कहा है एक दो नल है, एक नल किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा
एक नल किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा 36 मिनट में, तो टोटल वर्क ले लें क्या 180, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 6 और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5। कह रहे दोनों नल को एक साथ खोल दिया, दोनों नल को एक साथ खोल दिया, कुछ समय तो उनके अंदर रुकावट रही, खराबी रही, उसके बाद वो नॉर्मल काम करते हुए चले तो पूरा टैंक 15.5 मिनट में भर गया। ये तो कहा है खराबी ठीक करने के बाद, ठीक करने के बाद 15.5 मिनट भरा, तो ठीक करने के बाद 15.5 मिनट भरा, ये कह रहा भाई खराबी थी, ठीक करने के बाद 15.5 मिनट भरा, तो मुझे एक बात बताओ क्या 31/2 मिनट तक उनकी उन्होंने अपनी इफिशियंसी 11 से काम किया, तो उन्होंने अपनी इफिशियंसी यदि 11 से काम किया तो 341/2 काम किया उन्होंने लास्ट में, और टोटल कितने काम करने थे 180, तो 180 में से 341/2 यदि लास्ट में काम किए हैं, 341/2 काम यदि लास्ट में किए हैं तो कितने काम 19/2, कितने काम किए 19/2, कब किए जब खराब थे, तो टोटल वक्त 19/2 में उनकी खराब इफिशियंसी का भाग दे दो, तो ध्यान दो पहले व्यक्ति की इफिशियंसी 6 है और खराब पे 5/6 से काम करता है, ध्यान दो पहले इफिशियंसी की 6 और खराब पे 5/6 से काम करता है, तो इसकी खराब वाली इफिशियंसी 5 होगी क्या, और दूसरे व्यक्ति की इफिशियंसी 5 और खराब के समय 9/10 से काम करता है, तो क्या इसकी खराब वाली इफिशियंसी 9/2 होगी, तो दोनों की जो खराब वाली इफिशियंसी है 19/2 होगी, तो 19/2 भरते हैं और खराब की इफिशियंसी 19/2 है, तो कितने समय खराब रहे बोलो, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्यों क्या हुआ लोकेश? ध्यान दो दोस्तों बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा गया है, ए बी और सी किसी टैंक को 20 मिनट 30 मिनट और 15 मिनट में खाली, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी -4। क्या कहा गया है कि सबको बारी बारी से खोला, पहले ए को खोला कितने मटके भरेगा 3, फिर बी को खोला 2, फिर सी को खोला -4, तो हम कहेंगे एक मटका भरा जाएगा, एक मटका भरा जाएगा 1, 2, 3 मिनट में क्या। पर दोस्तों जब हम ऐसे ही सिक्वेंस को चालू रखें ए बी सी को, ऐसे जो दोस्तों सीक्वेंस को चालू रखें, तो टैंक जब फुल होने वाला है उस समय सी से काम नहीं करवा सकते, क्यों? दिव्या ध्यान दो, कोमल ध्यान दो, खुशबू ध्यान दो, कविता ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो बोर्ड पर, जिनका भी आंसर 180 आया वो एक बात ध्यान दो बोर्ड पर, एक बात मुझे बताओ आप टैंक के अंदर सबसे लास्ट में क्या सी को खोल सकते हो क्या? यदि आपने सबसे लास्ट में सी को खोल दिया तो सी तो खाली कर देगा 4, इसका टैंक कभी भरा ही नहीं जाएगा, तो याद रखना लास्ट मिनट सी को नहीं खोलेंगे, इसलिए लास्ट 2 मिनट ए और बी काम करेंगे, तो ए और बी लास्ट 2 मिनट में कितने भर देंगे 5 भर देंगे क्या, इसका 60 में से 5 तो लास्ट के 2 मिनट में भर जाएंगे, तो 55 मटके भरने में कितना टाइम लगेगा, तो एक मटका भरने में 3 मिनट लगती है, तो 55 भरने में 165 मिनट लगेंगी, और 165 और लास्ट की 2 मिनट और, तो टोटल आंसर 167 होगा, 167 होगा, सबको समझ में आया क्या, बोल दो जी बोल दो।
उस वो पांच गया आएगा, चार आएगा तो 3 मिनट में एक पानी आएगा ना, ये बात तो ठीक है। तीन भरा पांच, तीन भरा दो भरा पांच भरा, तो लास्ट में आपने क्या किया, चार खाली, इसलिए आपने कहा 1 मिनट का भरा 3 मिनट में, तो 60 × 3 क्यों नहीं कर सकते। ध्यान तो देखो, जैसे ही आपने बी से भरा तो बी ने मान लो दो भरे, उसके बाद आपने चार खाली कर दिए सी ने, सबसे लास्ट में यदि सी काम करेगा तो भरे हुए टैंक को खाली करेगा। भाई लास्ट में ये टंकी है, इसमें आपने सबसे लास्ट में सी को खोला है, तो सी भरे हुए टैंक को क्या करेगा, खाली। इसका लास्ट में याद रखना, जब भी अल्टरनेट काम करे तो खाली करने वाला काम कभी भी सबसे लास्ट में नहीं करेगा, और सबसे लास्ट में खाली करने वाला काम नहीं करेगा तो सबसे लास्ट में काम करेंगे जो भरते हैं वो, तो ये तीन और दो पांच भरते हैं 2 मिनट में, पांच भरते हैं 2 मिनट में, तो ध्यान दो बोर्ड पर, पांच तो 2 मिनट में भरेंगे, तो बाकी कितने जो बने हो 55, तो स्टार्टिंग में 55 बने और 55 भरेंगे 165 में, उसके बाद 165 में, तो 55 भरने के बाद एक को खोलेंगे 5 बजेंगे, एक को खोलने पर 3 बजेंगे, ध्यान देना 55 भरने के बाद एक को खोलेंगे 3 भरेंगे, 2 भरेंगे 60 हो जाएंगे, अब सी को नहीं खोलेंगे वरना तो वापस 56 कर देगा वो। इसलिए याद रखना कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ऐसे सोल्व करते हैं। देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, की क्लास का टाइमिंग 12 बजे ही है, 12 से 2। क्या कहा है, किसी टंकी को भरने के लिए दो नलों को एक साथ चला गया, पहला नल इसे अकेले 5 घंटे में भर सकता है, पहला नल अकेले इसे 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल अकेले इसे 20 घंटे में, परंतु एक तीसरा निकासी नल है जो ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान तो देखो, दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो 20, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 1, तो दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी होगी 5, तो 20 को 5 से डिवाइड करते हैं 4 घंटे में भर देगा। अब ध्यान दो बोर्ड पर कह रहा है, परंतु तीसरा निकासी नल गलती से खुला रह गया जिससे टैंक को भरने में 1 घंटा ज्यादा लगा, तो 4 घंटे में टैंक भरना था, बट ए बी की बजाय सी भी खुला रह गया तो टैंक भरा 5 घंटे में, तो 5 घंटे में 40-20 मिनट के डाले तो 1 घंटे में कितने 4, 5 घंटे में 20 मिनट के डाले तो 1 घंटे में 4, जिसमें ए और बी की एफिशिएंसी 5 है तो सी की एफिशिएंसी -1 होगी क्या, तो तीसरा नल अकेले 20 को डिवाइड कर दो -1 से तो 20 घंटे में टैंक को खाली कर देगा। बोलो समझ में आया क्या, ध्यान दो, ए और बी को टैंक का एफिशिएंसी 5 है, 4 घंटे में बनना था, 1 घंटा ज्यादा लगता है कब, जब सी आ जाता है, सी रह जाता है खुला, तो 5 घंटे लगता है तो एफिशिएंसी 4 है, दोनों की एफिशिएंसी 5 थी, तीनों की 4 है तो सी की एफिशिएंसी -1 है, तो 20 को -1 से डिवाइड कर देंगे। यहां तक क्वेश्चंस कर लेना और सीट अपलोड मैं करवा देता हूं, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलो तो यहां तक करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल। देखो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर, क्या करेंगे, ए और बी साथ मिलकर, तो ए की एफिशिएंसी ए मान ले, बी की एफिशिएंसी बी मान ले, और दोनों मिलकर इस काम को 5 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क, ध्यान देना प्यारे साथियों, क्या कहा है, ए किसी काम को और बी किसी काम को करे, या पाइप ए और पाइप बी भरे, दोनों 5 दिन में बताए तो टोटल वर्क हो गया क्या। आगे क्या कह रहा है, ए ने अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दिया, तो ए ने अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दिया तो 2a कर दिया, और बी ने अपनी एफिशिएंसी का 1/3 कर दिया, ए ने अपनी एफिशिएंसी डबल कर दी, बी ने अपनी एफिशिएंसी 1/3 कर दी, तो टंकी को 3 दिन में पूरा भर देते हैं, तो 3 से गुणा कर दो, सॉल्व करो, देखो बनेगा 5a + 5b बराबर होगा 6a + b, ए को एक तरफ कर लो, बी को एक तरफ, तो ए बचेगा और आगे बच जाएगा 4b, तो ए अपॉन बी इक्वल टू आ गया 4/1, बोलो ठीक है क्या बात, और 4/1 का मतलब ए की एफिशिएंसी 4 हो गई, बी की 1 हो गई, तो टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा दोस्तों 25। क्या कहा, बी अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा, तो बी के लिए टोटल वर्क 25 है, बी से काम करवाना है, तो टोटल वर्क 25 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो आंसर हो जाएगा 25, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है क्या बात, बोलो सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आई क्या, यस या नो, और जो मैं बातें पूछूं उनके आंसर प्लीज आप दें, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोर्ड पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान दो, क्या मैं कहूं, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, कहा गया 3 नलियां लगी हुई हैं, ए और बी एक साथ काम करें तो उनकी तुलना में खाली करने में आधा समय लेती हैं, तो सी ए और बी एक साथ काम करें तो ए और बी यदि एक साथ काम करें तो सी की तुलना में आधा समय लेती हैं, ध्यान दो, टाइम का रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का 2/1 होगा क्या,
ऐसे ध्यान दो, देखो उसी नली को ए को चालू करें तो बी की तुलना में आधा समय लेती है, ए जो बी की तुलना में आधा समय लेती है, तो टाइम का रेशियो आई है तो इफिशियंसी का रेशियो 1:2 होगा क्या? ध्यान दो देखो, ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 1 है, इसका मतलब हमारे पास 3 की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी 2 की वैल्यू 3 आ गई, तो ए की वैल्यू 3/2 होगी क्या? ए की वैल्यू 3/2 होगी क्या? तो सब जगह 2 से गुणा कर दो तो नॉर्मल इफिशियंसी हो जाएगी 4, 2 और 3, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में 4, 2 और 3। वापस ध्यान दो, ए और बी को सी की तुलना में आधा समय लगा तो टाइम का रेशियो 1:2, तो इफिशियंसी का 2:1, और ए को बी की तुलना में आधा समय लगा तो टाइम का रेशियो 1:2, तो इफिशियंसी का 2:1। इफिशियंसी का रेशियो ए और बी का 2:1 है, और ध्यान दो ए और बी की इफिशियंसी 2 की वैल्यू 3 पता लग गई, तो सी की इफिशियंसी 1 की वैल्यू 3/2, सिंपलेस्ट इफिशियंसी आ गई 4, 3, 6 और 3, 9, तीनों साथ काम करते हैं तो इफिशियंसी 9 है, और 6 सही 2/3, 6 घंटे 40 मिनट को मैं सीधा लिखूंगा 6 सही 2/3, तो 6 18 20/3 समय लगता है, तो ये आपका हो गया टोटल वर्क। तो कह रहा है खाली ए को कितना समय लगेगा, तो खाली ए को कितना समय लगेगा 4 से डिवाइड कर दो, 4 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 3 बार, तो क्या आंसर 15 होगा क्या? तो 15 होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। बोलो सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आया क्या? डी नहीं, डी होगा आंसर, मनीष डी होगा। कनक आंसर को सही चेक करो, सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दे लें, देखो का है, ए और बी को सी से आधा समय लगता है तो समय का रेशियो 1/2, तो इफिशियंसी का रेशियो 2:1, और ए को बी से आधा समय लगता है तो समय का रेशियो 1:2, तो इफिशियंसी का रेशियो 2:1, तो ए और बी की इफिशियंसी आ गई 2 और 1, और ध्यान दो इस 2 की वैल्यू हमारे पास 3 आई, ए और बी की इफिशियंसी, ए और बी की इफिशियंसी 3 यानी 2 की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू 3/2, सिंपलेस्ट इफिशियंसी निकालो 2 से गुणा करके 4, 2 और 3, तो सबकी इफिशियंसी 9 है, और सबने 6 से 2/3, 6 से 2/3 कहेंगे क्या, तो 20/3 गुणा 9, तो 20/3 गुणा 9 आपका आंसर हो जाएगा 15। बोलो ठीक है क्या बात? तो जान दो 20/3 गुणा 9 टोटल वर्क हुआ, ऐसे करवाना तो एक ही एफिशिएंसी का भाग दे दीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो फटाफट क्वेश्चंस पे ध्यान दो, फटाफट करो। देखो क्या कहा है, ध्यान दो बोर्ड पर, पहला पाइप आधा भाग भरता है 1 घंटे में, तो पूरा 2 घंटे में भरेगा क्या? दूसरा पाइप 1 घंटे में 1/3 भाग भरता है, तो 1/3 भाग भरता है 1 घंटे में, तो पूरा 3 घंटे में भरेगा क्या? तीसरा भरेवे को खाली करता है, छोड़ दो, और तीनों जब साथ काम करते हैं तो 7/12 भाग भरते हैं 1 घंटे में, तो पूरा 12/7 में भरेंगे क्या? इसका मतलब दोस्तों आपको पता लग गया, पहला पाइप भरता है 2 घंटे में, दूसरा पाइप भरता है 3 घंटे में, सी का पता नहीं है, और तीनों मिलकर भरते हैं 12/7 घंटे में। ध्यान दो 12/7/12 भाग 1 घंटे में, तो पूरा 12/7 में टोटल वर्क ले लेंगे, 2, 3 और 12 का टोटल वर्क कितना होगा 12, और ये यदि हमें पता लग गया तो बोलो ए की इफिशियंसी 6, बी की 4 और तीनों की 7 है, ए की इफिशियंसी 6, बी की 4 तीनों की 7 है, तो सी की इफिशियंसी क्या 3 होगी, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, इस पर कहेंगे 4 घंटे में खाली कर देगा। ध्यान दो आधा भाग 1 घंटे में तो पूरा 2 में, 1/3 भाग 1 घंटे में तो पूरा 3 में, 7/12 भाग 1 घंटे में तो पूरा 12/7 में। देखो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, पढ़ो देखो थोड़ा ध्यान से,
ध्यान दो, देखो क्या कहा है, ए 10 मिनट में भरता है, बी 15 मिनट में भरता है, तो टोटल वक्त क्या 30 ले लें, तो इसकी इफिशियंसी 3 होगी, इसकी इफिशियंसी 2, तो ए और बी इन दोनों पाइप को खोलकर कब वापस आया, तो 30 में भाग दे तो दोनों की इफिशियंसी 5 से, तो इसमें ए जो है वो 6 मिनट बाद वापस आया। ध्यान दो बोर्ड पर, ए 10 मिनट में भरता है, बी 15 मिनट में, कह रहा है राकेश दोनों को खोलकर चला जाता है और उस समय वापस आता है जिस समय टैंक भर जाना चाहिए था, तो इसका टैंक का भर जाना चाहिए था, तो टैंक 6 मिनट में भर जाना चाहिए था, तो 6 मिनट बाद राकेश ने आके देखा। अब ध्यान दो, उसने क्या किया, एक छिद्र के कारण टैंक भर नहीं पाया, तो उसने उस छिद्र को बंद किया, उसके 2 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया, तो ध्यान दो 2 मिनट में यदि टैंक भर गया तो इसका सी को तो जो नल खुला था सी उसको तो आपने कर दिया बंद, सी को तो आपने कर दिया बंद और 2 मिनट के लिए खुला रहा, तो सी को यदि बंद कर दिया तो सी को बंद करने के बाद 2 मिनट में टैंक भर गया, तो 1 मिनट में 5 मटके डालते हैं, तो 2 मिनट में कितने डालेंगे, 10 मटके। इसको लिए 10 मटके खाली क्यों रह गए भाई, 10 मटके खाली क्यों रह गए, क्योंकि सी 6 मिनट तक काम करता है, तो सी 6 मिनट में खाली करता है, इसको 10 मटके। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड ध्यान दो, कब वापस आया, तो 6 मिनट बाद वापस आया, कब वापस आया, तो 6 मिनट बाद वापस आया, और 6 मिनट बाद वापस आके उसने टैंक का जो खाली करने वाला पाइप था उसको बंद कर दिया, और 2 मिनट में टैंक भर गया, इसको 2 मिनट में उसने मटके डाले 10, तो 10 मटके भर जाने चाहिए खाली क्यों रह गए, क्योंकि सी 6 मिनट खुला रह गया, तो 10 मटके खाली करता है 6 मिनट में, पूछ रहा पूरी टंकी कितने समय में खाली करेगा, तो 30 मटके कितने समय खाली करेगा, तो कितना गुणा इसका 3 गुणा, तो इसका भी 3 गुणा कर देंगे, तो कहेगा पूरा टंकी 18 मिनट में खाली कर देगा, तो आंसर होगा सी। बोलो ठीक है क्या, तो 6 मिनट बाद आने के बाद उसने 2 मिनट में टैंक भर दिया, तो दोनों ने 2 मिनट भराया, 10 मिनट के भरे 2 मिनट में, तो 6 मिनट में इसका 10 खाली किए थे उसने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35। कहा है पानी का एक टैंक का 2/5 भाग भरा हुआ है, टैंक का 2/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है, ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उस टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, ए नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो टोटल वर्क ले लेंगे 30, इसकी इफिशियंसी 3 होगी, इसकी इफिशियंसी -5 होगी। कह रहा है यदि दोनों नल खोल दी जाए तो टंकी कितने समय में पूरा भरेगी या खाली होगी, तो ध्यान दो 30 पूरा नहीं भरा हुआ, 30 का 2/5 ही भाग भरा हुआ है, तो इसका टंकी में मटके हैं 12, और दोनों को खोलेंगे तो माइनस में है, इसका खाली होगी कितने मिनट में खाली होगी, तो कहेंगे 6 मिनट में खाली होगी। ध्यान दो दोस्तों, ये 10 मिनट में भरता है, 6 मिनट में खाली, टोटल वर्क और इनकी इफिशियंसी, कह रहा है पूरी टंकी में मटके आते हैं 30, पूरी टंकी में मटके आते हैं 30, पर 30 का 2/5 ही भाग भरा हुआ है, इसका टंकी में मटके कितने 12, और दोनों काम करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी -2, इसलिए खाली कर देंगे। बोलो ठीक है क्या बात। ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, पढ़ें ध्यान से और समझें, 36 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और समझें क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रभात भाई क्या हो गया 34 में, 34 तो सीधा सा क्वेश्चन है कि आपने टैंक में ए और बी को कितने समय खुला रखा, 6 मिनट, तो 6 मिनट फुल भर जाना चाहिए था, पर आपने क्या किया, गलती से सी खुला रखा, तो सी को बंद किया, और सी को बंद करने के 2 मिनट बाद, तो सी को बंद करके तो काम कौन करेगा, ए और बी, 2 मिनट बाद यानी 2 मिनट में 10 मटके जैसे ए और बी ने डाले टंकी भर गई थी, पर टंकी तो आपको 6 मिनट में बनी थी, 2 मिनट बाद क्यों भरी, क्योंकि आपने 2 मिनट में वो भरे जो सी ने खाली किए थे, कितने समय तक, 6 मिनट तक, तो 10 खाली किए 6 मिनट में, तो 30 कितने में। ध्यान दो क्या कहा गया है, एक टैंक की लंबाई चौड़ाई और दे रखी है, और उसमें एक पाइप लगा हुआ है जिसमें 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आता है, तो 8 मीटर ऊंचा तल बढ़ने में कितना समय लगेगा। देखो ध्यान दो, सबसे पहले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख लो, ठीक है, इसमें भाग दे दो। ध्यान दो देखो, किसी भी टैंक में कितना पानी आता है, किसी भी टैंक में कितना पानी आता है, ये डिपेंड करता है कि पाइप का जो है, पाइप जिसमें आपने पानी डाल रहे हो उसका एरिया क्या है, इंटू उसकी स्पीड क्या है, उसमें जो पानी आ रहा है उसकी, इंटू टाइम के बराबर होगा। तो आपको टाइम यदि पूछा तो जिससे पानी आ रहा है उसका भाग दे दो, टाइम यदि पूछा है तो जिससे पानी आ रहा है उसका भाग दे दे क्या। तो ध्यान दो बोर्ड पर, देखो ये तो क्या पानी की मात्रा बराबर होगी, एरिया, एरिया है 0.3, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, ठीक है, 0.3 इंटू 0.2, ये तो क्या एरिया, इंटू स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर में है, आप मीटर में लिखो तो 1000 से गुणा कर दो, तो जैसे ही 2 पॉइंट हटाओगे 2 पॉइंट कैंसिल आउट, और 200 से ये 200 कैंसिल आउट, और 3 से ये कट जाएगा 6 बार, और 2 से कट जाएगा ये 75 बार, तो आंसर हो जाएगा 75 गुणा 6। वापिस ध्यान दो, क्या काटा क्या रह गया, वापिस ध्यान दो, देखो वापिस एक बार देखो, दो सौ गुणा 150 गुणा 8 एकदम सही लिखा है, 0.3.2 ये भी ठीक लिखा है, इसको किलोमीटर को हजार में लिख लो, ये 2 पॉइंट से आपके 2 जीरो हट गए, ठीक है, ध्यान दो देखो 200 से ये 200 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 3 2 3 2 से कर दो इसको 4 बार, और 3 से कर दो इसको 50 बार, तो 50 दुनी 50 100 आंसर। तो क्या करना है, याद रखना किसी भी टैंक में यदि टैंक आपका रेक्टेंगल है, तो टैंक यदि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में जो पानी आएगा एल इंटू बी इंटू एच होगा, टैंक में जो पानी आएगा वो याद रखना जो पाइप अंदर आपने लगा रखा है उसका आगे का एरिया क्या है, स्पीड क्या है, इंटू टाइम होता है।
देखो समझो क्वेश्चन नंबर 37, पढ़ो क्या कह रहा है। एलिगेशन में मैं सिखा के आया हूं, ये मेथड आपको आना चाहिए दोस्तों, आना चाहिए। कह रहा है भरने वाला पाइप, एक फिल करने वाला पाइप कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में। खाली करने वाला पाइप कितने घंटे में खाली करता है? 12 घंटे में। और सारे जो पाइप है वो खाली करते हैं कितने बार? एक साथ खोलते हैं तो 4 घंटे में भर देते हैं, तो 4 घंटे में भरते हैं। टोटल वर्क ले लें 12, तो इनकी इफिशियंसी आ गई 2, इसकी इफिशियंसी आ गई -1 और इनकी इफिशियंसी आ गई 3। ध्यान दो, भरने वालों की इफिशियंसी 2 है, खाली करने वालों की इफिशियंसी -1 है, और सभी जो पाइप है कितने पाइप है सारे 12, तो 12 की इफिशियंसी 3 है, तो 1 की 3/4 हो जाएगी क्या? ऑल कितने 12 पाइप, तो 12 पाइप की इफिशियंसी 3/12, तो 1 की क्या 1/4 होगी क्या? सारे स्टूडेंट ध्यान दो, देखो क्या लिखा, एक भरने वाले की इफिशियंसी, एक खाली करने वाले की इफिशियंसी, तो ओवरऑल भी एक की इफिशियंसी लिखेंगे, 4 से गुणा कर दो 8 बन जाएगा, 4 बन जाएगा 1 बन जाएगा, 8 में से 1 घटाओ 9, 1 में से 4 घटाओ 5, सॉरी 8 में से 1 घटाओ 7, 8 में से 1 घटाओ 7 और 1 में से माइनस करो 4 तो 5, यानी भरने वाले 5 पाइप और खाली करने वाले 7, क्योंकि टोटल 12 है। तो क्या पूछा है, पानी भरने वालों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों पहले ही एलिगेशन में क्वेश्चन में आपको सिखा चुका हूं कि जब भी भरने वाले की बात करें, खाली करने वाले की बात करें ओल की, तो भरने वालों की इफिशियंसी निकाल लो 2, खाली करने वाले 1 की इफिशियंसी 1, ये 1 पाइप भरने वाले की इफिशियंसी है, 1 खाली करने वाले की इफिशियंसी है, तो सभी ओल की इफिशियंसी 3 आ रही है, 12 पाइपों की इफिशियंसी 1 है, 3 आ रही है, तो 1 की कितनी होगी? लगा दो एलिगेशन, 4 से गुणा करो, इसको यहां घटाओ 7 बन जाएगा, इसको यहां 5, रेशियो 5 अनुपात 7 में। चलो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो। संदीप, दीपावली की छुट्टियों के बाद ध्यान दो दोस्तों क्या कहा गया है, ए पाइप किसी टैंक को भरने में 2 से 3/4 समय लेता है, तो टाइम का रेशियो 3/4 है, तो इफिशियंसी का रेशियो 4/3 होगा क्या? कहा है इन्हें, यानी ए और बी के साथ सी भी काम करें, तो ए और बी जो काम करते हैं उससे, ध्यान दो इन्हें ए और बी से जो काम करने में समय लगता है उसे 3/4 अधिक लगता है, 3/4 समय अधिक लगता है, यानी 7/4 समय लगता है, टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो 7/4 है, तो इफिशियंसी का 4/7 हो जाएगा क्या? तो ध्यान दो ए और बी की इफिशियंसी हमारे पास 7 ही और 7 ही आ रही है, ठीक है। फिर ध्यान दो, देखो ए की इफिशियंसी आपके पास है 4, बी की इफिशियंसी आपके पास है 3, सी का पता नहीं है, और सबकी जो इफिशियंसी है वो आपके पास है, सबकी जो इफिशियंसी ए बी सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 4। तो ध्यान दो ये 4 है, 3 है, तीनों की 4 है, इसका इसकी इफिशियंसी -3 है क्या? का ए बी सी 7 मिलकर इस टैंक को 33 घंटे में भरते हैं, तो 33 × 4 क्या टोटल वर्क हो जाएगा? अपॉन कह रहा है अकेला सी कितने समय में खाली करेगा, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या 44 आंसर हो जाएगा क्या? गुड आफ्टरनून भैया जीत, गुड आफ्टरनून। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, पढ़ो। एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल दूरी पर लगे हुए हैं, समान दूरी पर लगे हुए हैं, ऐसे
लिख लेना, इक्वल दूरी पर लगे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए। पहला नल टैंक के तल पर है और चौथा नल 3/4 ऊंचाई पर। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात करें भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। ध्यान दो दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो आपका इस तरीके का एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक के अंदर बोर्ड पर ध्यान दो, पहला नल ए यहां लगा हुआ है, पहला नल यहां ए लगा हुआ है, फिर 1/4 पार्ट पर बी भी लगा हुआ है, फिर 1/4 पार्ट पर सी भी लगा हुआ है, और फिर 1/4 चार पार्ट है यहां डी लगा हुआ, चार पाइप ऐसे। एक टैंक में चार ऐसे पाइप है जो लगे हुए हैं और खाली करते हैं। और ध्यान दो बोर्ड पर, पहला पाइप ए 12 घंटे में खाली करता है तो टोटल 12 मान ले क्या, तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो यदि इस टैंक में पूरे 12 मटके आते हैं तो 4 मटके यहां आएंगे, 4 यहां आएंगे, 4 मटके यहां आएंगे और 4 मटके यहां आएंगे, बोलो यस या नो, ठीक है। तो इन 4 मटकों को कौन खाली कर रहा है, अकेला ही तो 4 घंटे लगेंगे। इन 4 मटकों को कौन खाली कर रहा है, ए तो पहले ही था, बी भी आ गया, इसका यहां काम कर रहे हैं ए और बी। इन 4 मटकों को खाली करने का अकेले ए काम करता है तो 4 में 1 की एफिशिएंसी का भाग, आगे ए और बी काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी का भाग। यहां की बात करें तो ध्यान दो, यहां जो पानी भरा है उसमें सी भी है, बी भी है, ए भी है, इसको खाली करेंगे तीनों, और तीनों खाली करेंगे तो 4/3, और लास्ट वाला जो है उस पे तो डी भी आ गया, इसका ऊपर वाले जो मटके हैं वो सभी खाली करेंगे तो 4 में भाग दे दो 4 का। तो ध्यान दो, 4 और 2 6, 1 7 और 1 से 1/3 ये, तो 8। ऐसा क्या किया भाई, 4 में अकेले 1 का भाग, 4 में 2 का भाग 2, 4 में 3 का भाग, सॉरी 16 हो गए। तो यार अपने गड़बड़ कर दिए, क्या कर दिया, मटके 16 कर दिए, 12 होने चाहिए ना, तो 12 होने चाहिए और 12 के 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो 3 3 3 3 हो गए, ठीक है। तो इस 3 को अकेला ए खाली करेगा, अगले 3 को ए और बी खाली करेंगे, अगले 3 को ए बी सी खाली करेंगे, और अगले 3 को सब खाली करेंगे, कर लेंगे क्या सोल्व। तो 6 सही, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो ध्यान दो, 3 और 1 4, 5, 5.5 में 3/4 जोड़ दो तो 5.5 में 3/4 जोड़ते हो तो 6 से 1/4 हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दे लें, देखो अकेला ए इसको 12 घंटे में खाली करता है तो टोटल 12, 4 बराबर पार्ट है, इसमें कौन काम कर रहा है, नीचे ए है, इसमें कौन काम कर रहा है, ए और बी है, इसमें कौन काम कर रहा है, नीचे ए बी सी तीनों पाइप है, और ऊपर ऊपर वाला भाग तो चारों ही खाली कर रहे हैं। बोलो आगे क्या बात, सबको समझ में। चलो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को, और बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों की आंखों पे जोर ना पड़े। ध्यान दो, देखो दोस्तों क्या करेंगे बोर्ड पर, ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्वेश्चन को सबसे पहले या तो छोटा करेंगे या इंग्लिश को हटा देंगे, दोनों में से एक काम करना है। क्या कहा है, ए बी और सी टैंक को ए 4 घंटे में भरता है, बी 5 घंटे में भरता है, सी 3 घंटे में खाली कर देता है। टोटल वर्क ले लो 60, इसकी एफिशिएंसी होगी कितनी 15, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 12, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 20। पढ़ो क्या कहा गया है, टैंक एकदम खाली है, सबसे पहले ए को खोला जाता है तथा सी पाइप को तब खोला गया जब टैंक आधा हो जाता है, जब टैंक आधा भरा हो। सबसे पहले किसको खोला, ए को, तो ए के बाद सी को तब खोला जब आधा भरा हो, तो आधा भरने में ए को समय 2 घंटे लगेंगे क्या, तो अब टैंक में कितने मटके हैं 30। अब आपने सी को भी खोल दिया तो ए और सी काम करेंगे, और ए और सी काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी तो -5 है, तो -5 एफिशिएंसी से काम करेंगे। कह रहा ठीक उस समय बी पाइप को सी के बाद खोला गया, सी के बाद खोला गया, सी के बाद बी को भी खोल दिया, उस समय खोला जब टैंक 1/4 भरा हुआ है, 15 भरा हुआ है, तो 30 भरे थे, 15 बचे, इसका खाली कितने किए, 15 किसने खाली किए, ए और सी ने, 5 को 3 घंटे और लगे। अब टैंक में मटके हैं 15, तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 15 है पूरे भरने तो 45 बनने, और डिवाइड करेंगे सबकी एफिशिएंसी से, तो ध्यान दो 12 और 15 कितना हुआ 27, 27 में 20 का भाग दे तो एफिशिएंसी आ रही है 7, तो 7 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा दोस्तों आपका 5 + 45/7, तो आंसर हो जाएगा 80/7, तो 80/7 आपका आंसर हो जाएगा डी। कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल सा कह रहा है, ए भर रहा है कितना, आधा टैंक, आधा भर रहा है तो 30 में 15 भाग दो 2। अब जब आधा भर गया तब सी को खोल दिया,
और कब तक खुला रखा? जब 1/4 रह गया, यानी 15 रह गए, तो 30 थे 15 रह गए, तो इसका एओसी ने 15 खाली की एफिशिएंसी, 5 से 3 घंटे काम किया, 5 घंटे काम हो गया, अब टैंक बचा है 15, पूरा भरना है तो 45 डालेंगे कौन, सब तो सबकी एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। बोलो ठीक है क्या बात, चलो आओ तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ो। देखो एक टैंक है, उसमें छिद्र है, पानी बाहर निकल रहा है, तो आपने इसकी करवा दी मरम्मत, मरम्मत करवा दी, इसका ये काम नहीं कर रहा, तो अकेला भरने वाला पाइप इसको 3.5 घंटे यानी 7/2 घंटे भरता है क्या? और कह रहा है मरम्मत करने से पहले, यानी भरने वाला भी काम कर रहा था और लीकेज भी काम कर रहा था, तो दोनों काम कर रहे थे उस समय, कह रहा है उस समय, कह रहा है आधा घंटा अधिक लगता है, तो 4 घंटे लगते हैं क्या? 80/7 लोकेश, 80/7 दो दोस्तों क्या कहा गया है, जब देखो टैंक में पहले था छिद्र, छेद था, पानी निकल रहा था, पर अब आपने करवा दिया इसमें मरम्मत, मरम्मत करवा दी, इसका पानी नहीं निकल रहा, तो पानी नहीं निकला इसका ओनली भरने वाला काम कर रहा है, पानी नहीं निकल रहा इसका ओनली भरने वाला काम कर रहा है, भरने वाला काम कर रहा है 7/2 में, और ध्यान दो पानी निकल रहा भी भर रहा है, इसका दोनों काम कर रहा है, टोटल ले लो 7 और 4 का टोटल हो गया 28, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8, इसकी एफिशिएंसी 7, इसका खाली करने वाले की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, तो आपको क्या कर रहा है छिद्र के कारण पूरा टैंक कितने समय खाली होगा, 28 में 1 का भाग दे देंगे तो 28 आंसर हो जाएगा। किसी होज को क्रम से 24 और 32 मिनट में भरते हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि होज 18 मिनट में भर जाए? करो फटाफट करो, अब ध्यान दो, देखो 24 और 32 का भाग, ए और बी की बात करें, 24 और 32 का भाग किसमें जाता है, 8 चौक 32 और 8 3 24, तो इसका मतलब आपको लेना पड़ेगा 32 गुणा 3, 96 लेना पड़ेगा क्या, और 96 लेंगे तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4। आप कह रहे हो ए और बी को खुला रखना है, ठीक है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद, बी को बंद करना है बीच में ताकि होल 18 मिनट भरे, इसका 18 मिनट ए ने काम किया क्या, तो 18 मिनट ए काम करेगा तो 18 चौक 72 भरेगा और टोटल 92 भरते हैं, इसका 24 बचे क्या, और 24 यदि बचे तो 24 में काम कौन करेगा, बी, तो बी की एफिशिएंसी 3 का भाग दे दो, 8 मिनट काम किया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखो, ध्यान दो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या करेंगे दोस्तों 24 और 32 मिनट में भरते हैं ए और बी, तो टोटल वर्क 96 ले लेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी 3, कह रहा है ए और बी को खोलकर ए को कितने समय बाद बंद करें कि 16 मिनट भरे, इसका 16 मिनट ये काम करेगा तो 16 3 48 काम तो इसने कर लिए, और पूरा टैंक 96 भरा, इसका इसने भी कितना काम किया 48, तो 48 काम करेगा, 1 मिनट में 4 काम करता तो कितने मिनट में करेगा 12 मिनट में, तो आपने कहा पूरा टैंक में ए और बी को खोला कुछ समय बाद बंद करना है, तो छोड़ दो इसको, बी ने कितने समय काम किया 16 मिनट, तो 16 गुणा 3 48, 96 में से 48 काम कर दिया, तो बाकी कौन करेगा ए, दिव्या कनक दोनों ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, आपने खोला ए और बी को, ध्यान देना, और पूरा काम हुआ 16 मिनट में, तो ध्यान दो बी ने लास्ट तक काम किया तो कितने मिनट काम किया 16 मिनट, और ए ने कितने मिनट काम किया पता नहीं, तो बी ने 16 मिनट में कितने मिनट डाले तो 48, बाकी 48 फिर किसने डाले ए ने, तो ए की एफिशिएंसी का भाग दे दो, ठीक है कनक ऐसे ही करना पीछे वाला क्वेश्चन भी। चलो पढ़ो देखो, ध्यान दो ए टैंक को 45 मिनट में भरता है और बी टैंक को 60 मिनट में खाली करता है, टोटल वर्क होगा 180, इसकी एफिशिएंसी 45 से 4, इसकी 3, पहले ए को खोला फिर बी को, फिर ए को खोला फिर बी को, बट याद रखना लास्ट में ए को ही खोलेंगे बी को नहीं, तो ध्यान देना एक भरते हैं, एक मटका भरते हैं कितने मिनट में 2 मिनट में, और लास्ट में 1 मिनट में भरे जाते हैं 4, क्योंकि आपने सी को खोल दी, बी को खोल दिया तो खाली कर देगा इसलिए उसको नहीं खोलेंगे, तो ध्यान दो 4 के अलावा कितने बचे तो 176 बचे, तो 176 में टाइम लगेगा, 176 × 2 तो 17 × 34 और 1 × 35 352 मिनट, तो 352 मिनट तो एक लास्ट में, इसको सही कर लो 45 कर लो इसको, 352
352 और 153 आंसर। याद रखना जब भी ए भरे बी भरे किसी टैंक में अल्टरनेट लगे हुए हैं तो जो खाली करता है उसको लास्ट मिनट नहीं काम करवाएंगे। तो लास्ट मिनट कौन काम करेगा? लास्ट मिनट कौन काम करेगा? ए। चार मिनट के भरेगा एक मिनट में, तो बाकी 176 में कितना समय लगना है? देखो 5 घंटे में भरेंगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा? टोटल वर्क पी क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। तो लिख देंगे 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p माइनस 1/q, 1/p माइनस 1/q, इसलिए आंसर हो जाएगा r। देखो एक टैंक का 3/4 भाग भरा हुआ है, 60 लीटर निकालने पर 2/3 भाग भरा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि 4 और 3 का भाग जाए वो टैंक का टोटल वर्क हो जाएगा 12, और टैंक का टोटल वर्क 12 में से ये भरा हुआ है 9 और ये भरा हुआ है आपका 8, तो डिफरेंस 1 की वैल्यू 60 है तो 12 की वैल्यू 720 हो जाएगी। क्या ध्यान देना, पहले 3/4 भरा हुआ था, 2/3, तो आपने 4 और 3 का टोटल वर्क ले लिया 12, टोटल वर्क 12 का 3/4 9 भरा हुआ है, टोटल वर्क 12 का 2/3 8 भरा हुआ है, तो 9 से 8 भरा हुआ बचा, इसका कितना खाली किया 1, 1 की वैल्यू 60 है तो 12 की वैल्यू क्या होगी? चलो तो इसको यहीं फिनिश करते हैं, आप कर लेना इन क्वेश्चंस को, ठीक है दोस्तों। तो कल एक क्लास में टाइम एंड वर्क की और लूंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अपन पढ़ेंगे कल, उसकी और क्लास लूंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? ओके बाय बाय, टेक केयर, सीट मिल चुकी होगी, डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना।